अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। सो आज क्या है, आज ईद है, बहुत स्पेशल डे है मुस्लिम लोगों के लिए और सब के लिए भी, क्योंकि सिर्फ एक जो सब फेस्टिवल्स होते हैं वो सिर्फ एक रिलीजन के लिए नहीं होता, सब इंसानों के लिए होता है और सब इंसानों को मिल के सेलिब्रेट भी करना चाहिए। सो आज मैं यहाँ नेपाल में लेक साइड में आई हूँ लोगों से थोड़ा सा इंटरेक्ट करने के लिए, उन्हें पता है कि नहीं पता, क्योंकि एज अ ये हिंदू कंट्री होकर और सो मैं जानना चाहती थी कि लोगों का रिएक्शन क्या है और लोग कैसे लेते हैं इसको। सो आए चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ के लोगों को कैसा लगता है और उनको क्या क्या पता है ईद के बारे में। सो यहाँ पर नेपाल में जो है काफ़ी ज़्यादा कश्मीरी लोग हैं जो कश्मीर से आके यहाँ पे दुकान वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। सो मैं चाहती हूँ कि उनके साथ भी इंटरेक्ट किया जाए, क्योंकि वो भी अपने घर से दूर हैं और उनको कैसा फील होता है अपने घर से, अपने फैमिली से दूर होकर। ऑब्वियसली बुरा फील होता होगा, लेकिन जो फीलिंग्स होती हैं वो एक्सप्लेन कर नहीं सकते, लेकिन जाके हम उनसे पूछते हैं, शायद बात से भी किसी को होता है ना, अपनी लैंग्वेज में कोई बात कर ले तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। सो चले देखते हैं, कहीं हमें मिले तो हम उनसे जरूर बात करेंगे। चले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सो अंकल आप कहाँ से हैं? मैं कश्मीर से। कश्मीर से हैं तो यहाँ नेपाल में ये आपकी दुकान? जी। आज ईद है, आज ईद है। सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू। और थैंक यू नहीं, खैर मुबारक अपने जुबान में। खैर मुबारक। तो आपको कैसा लग रहा है आज नेपाल में ईद, कैसा लग रहा है आपको? एक्चुअली मैं यहाँ से 25 वर्ष से रह रहा हूँ। 25 वर्ष नेपाल में? नेपाल में 25 वर्ष से रह रहा हूँ। इट इज़ माई सेकंड होम टाउन। मुझे लग रहा है कि दूसरा घर है। जैसे कि मैं घर में एंजॉय कर रहा हूँ, वैसे मैं भी एंजॉय यहाँ कर रहा हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं अपने ही घर में हूँ। तो आपकी फैमिली यहीं पर है? फैमिली यहीं है। तो आप कश्मीर जाते रहते हैं? जी, मतलब नेक्स्ट आफ्टर 2 months जब बारिश इधर होती है, मानसून होता है, जी जी, उस टाइम ऑफ सीजन होगा, 1-2 महीने के लिए घर जाते हैं। सही। तो ये आपकी जो दुकान है, ये सब आप कश्मीर से बना कर लेकर आते हैं कि क्या? एक्चुअली सब इधर से बनाते हैं। सही। नेपाल का ही प्रोडक्ट है, सब उधर से इम्पोर्ट करते हैं, मतलब उधर से लाते हैं। ठीक ठीक। सो आप क्या ईद के दिन में आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे लोगों को? एक्चुअली वी आर ह्यूमन बींग्स। डजंट मैटर विच रिलीजियस यू फ्रॉम, ब्लड इज वन, टू आईज, टू हैंड्स, एवरी रिलीजियस इज सेम, जस्ट वे टू गो। मगर कुछ लोग ऐसे भी है, मतलब हर एक धर्म में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो नफरत फैलाते हैं। कोई धर्म ये नहीं चाहता कि नफरत फैलाओ, है कुछ लोग हमारे में भी, हर एक में है। मगर एक्चुअली हम लगते हैं कि हम ह्यूमन बींग से पीस से रहो, हर एक को रेस्पेक्ट करो, रेस्पेक्ट लियो। जब आप किसी को रेस्पेक्ट देंगे वो आपको रेस्पेक्ट देगा। जी बिल्कुल। सो मेरा भी यही है, मेरा भी एक मैसेज देने का भी यही है कि मैं आज जो वीडियो बना रही हूँ कि एज अ मुस्लिम, कि ये नहीं है कि ये जो ईद है वो सिर्फ हम मुस्लिम लोगों के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सब लोगों के लिए। एक्चुअली हर एक के लिए, हर एक देवर है। ईद भी नहीं, ईद क्या पैगाम है? लव टुगेदर, प्रे, प्रे फॉर पीस। ईद का मतलब वही है, मतलब ह्यूमनिटी, वो वही एक है कि एक्चुअली वी आर ह्यूमन बींग्स। डजंट मैटर विच रिलीजियस यू फ्रॉम, वी आर ह्यूमन बींग्स, ब्लड इज वन, नथिंग वी हैव चेंज, क्रिएटर इज वन, जस्ट वे टू गो डिफरेंट वेज, अदरवाइज गॉड इज वन, सम सेज भगवान, सम सेज अल्लाह, वी आर सेम, यू नो, नथिंग वी हैव, we all are same. Yeah. So आपने इनकी शॉप आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर अपने लेक साइड में, जो कि बहुत जानी पहचानी जगह है नेपाल में स्पेशली, बाहर से लोग यहाँ पे काफ़ी आते हैं और यहाँ से काफ़ी अपने लिए शॉपिंग करके जाते हैं, क्योंकि यहाँ के जो कश्मीरी अपने ही, वो एक अपने ही कल्चर की एक बात होती है। सो डिफरेंट लोग आते हैं यहाँ से शॉपिंग करके जाते हैं। तो आप एक दफ़ा देख भी सकते हैं इनकी शॉप, देख भी सकते हैं, काफ़ी अच्छा डिफरेंट काम हुआ हुआ है यहाँ पर और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, लोग आकर लेके जाते हैं और जाहिर सी बातें पसंद करते हैं तो यहाँ इन्होंने रखा हुआ है, लोग काफ़ी लेकर जाते हैं। सो आप जैसे देख सकते हैं ज्वेलरी वगैरह भी हैं यहाँ, शॉल्स वगैरह भी हैं, जो कश्मीरी में जो ज़्यादा शॉल मानी जाती हैं, क्योंकि वो एक अपना ही काम होता है उनका। सो आप देख सकते हैं, जी, हैंडक्राफ्ट। सो आप लोगों ने जैसे देखा कि हमारा मैसेज है वो सिर्फ एक
किसी रिलीजन के लिए नहीं है और हम सब एक हैं और इसका मतलब है प्यार दो और प्यार लो। जब जब रेस्पेक्ट दूसरे को करेंगे तब वो आपको रेस्पेक्ट करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो सब जो हैं वो अमन से रहे, मोहब्बत से रहे, प्यार से रहे, यही हमारा मैसेज है। सो चलते हैं और लोगों से भी पूछते हैं, क्योंकि अंकल से तो एज अ मुस्लिम मैंने बात की, एज अ ईद के बारे में मैंने पूछा, बाकी लोग क्या सोचते हैं उनके बारे में पूछते हैं। सो मैं अभी ट्रैक की तरफ से चलती हुई आई और मैंने एक फैमिली से मिली हूँ और वो जो हैं वो इंडिया से आए हैं। सो उनसे भी पूछते हैं कि आज जो ईद का दिन है उन्हें कैसा लग रहा है, और स्पेशली जो अपने कंट्री से यहाँ नेपाल में घूमने के लिए आए हैं तो उन्हें कैसा फील हो रहा है। सो सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक। आपको भी ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। मुबारक आप। खैर मुबारक। और आप इंडिया से हो ना? यस, इंडिया से। तो आपको नेपाल में आके कैसा फील हो रहा है? अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो इंडिया में और यहाँ में आके क्या डिफरेंट फील हो रहा है आपको? यहाँ पे नेचर है। नेचर है, बिल्कुल। यस, ओके। वहाँ पॉपुलेशन अधिक है, पॉल्यूशन अधिक है। सही। तो आज ईद का दिन था, आपको पता था? यस। ठीक। तो आपके कोई मुस्लिम फ्रेंड्स हैं या क्या? यस, बहुत सारे फ्रेंड्स हैं हमारे मुस्लिम। सही। तो आप भी ईद मनाते हो कि नहीं मनाते? मनाते हैं, उनके साथ मनाते हैं, दोस्तों के साथ। सही सही। तो वो भी ऑब्वियसली जब आपका कोई फेस्टिवल होता होगा वो भी आते होंगे। ठीक है। तो आपको कैसा फील होता है जब इस तरह दोनों रिलीजन के लोग ऐसे फेस्टिवल्स में मिल के उठते बैठते हैं, एक प्यार का मैसेज दे रहे होते हैं? तो आपको आपका अपना पर्सनल ओपिनियन क्या है आपका? एकता में एक अनेकता टाइप का महसूस होता है, कोई जात बात या हिंदू मुस्लिम इस तरह की फीलिंग नहीं होती है। सब लोग एक मनुष्य हैं, आदमी आम आदमी की तरह से हम लोग रहते हैं, भाईचारा बढ़ता है। सही। यस, ओके। सो थैंक यू सो मच, और फिर से ईद मुबारक आपको भी, और इंजॉय कीजिए नेपाल की नेचर को। सो थैंक यू सो मच। तो चलते चलते मुझे यहाँ एक नेपाली फैमिली भी मिली है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया आप थोड़ा सा आप कुछ बोलना चाहोगे, मैं आप लोगों से कुछ पूछेंगी। उन्होंने कहा कि ठीक है, इजाज़त है, क्योंकि सबसे पहले इजाज़त लेना बहुत ज़रूरी बात होती है। सो नमस्ते। नमस्ते। सो आज एउटा स्पेशल डे छ हजुरले थाहा छ, एउटा रिलिजनको के हो र भनिदिनुहोस् न? ईद हो। त्यो चाहिँ अब मुस्लिमहरूको हो, थाहा होला नि है? सो ईदको बारेमा हजुर के भन्न चाहन्छ? ईद के हो थाहा हजुरलाई? ईद भनेको एउटा मुस्लिमहरूको चाड हो, जसरी हाम्रो हिन्दूहरूको दसैँ तिहार जस्तै मुस्लिमहरूको। ओके। तर यो पनि रमाइलो चाड हो, सबैले मान्नुपर्छ, यो रमाइलो गर्नु पऱ्यो। अब यसमा सो ईद भन्दाखेरि मान्छेहरूले अब मैले बसेर भन्छु नि अब हजुरलाई ईद मुबारक, त्यसको आन्सर तपाईँलाई थाहा छ कसरी दिनुपर्छ? ईद मुबारक, ईद मुबारक, त्यसको होइन, ईद मुबारक भनेपछि अब जसरी मैले तपाईँलाई हजुरलाई भन्छु ईद मुबारक, अनि तपाईँले चाहिँ अगाडिबाट मैले भने खैर मुबारक, खैर मुबारक, खैर मुबारक, तपाईँले मलाई भन्नु नि त ईद मुबारक भने, ईद मुबारक ल, खैर मुबारक ल। थ्याङ्क यू सो मच, हरूसँग अलिकति लिएँ इन्टरभ्यू लिएँ मैले कस्तो लाग्छ भनेर। त्यो मेरो म्यासेज पनि थियो कि म यहाँ देखाउन चाहन्छु नेपालमा मान्छेहरूले कस्तो सोच्छन् ईदलाई पनि, किनकि जसरी हिन्दूहरूको चाडबाडहरू हुन्छ हामीले सेलिब्रेट गर्छौँ, ईदलाई पनि सेलिब्रेट गर्न पर्छ भनेर। सो सानो म्यासेज दिन चाहनुहुन्छ? यसमा कसैले पनि यो मुस्लिमको चाड हो, यो हिन्दूको चाड, कसैले कसैलाई यो केही भन्नु हुँदैन, सबैको रमाइलो चाड हो, सबैले रमाइलो गर्नु पऱ्यो, सबैले सबैलाई सम्मान गर्नु पऱ्यो। धेरै धेरै धन्यवाद हजुरलाई। सो चलते चलते कुछ बाहर के फ्रेंड्स भी मुझे मिले और उनसे पूछते हैं कि उन्हें पता है कि नहीं पता। सो हेलो। हेलो हेलो हेलो। सो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज मगी। मगी, ओके। स्टेफनी। ओके। माय नेम इज आमना। ओके। हेलो। सो वेयर आर यू फ्रॉम? डेनमार्क। डेनमार्क, यू बोथ आर डेनमार्क? यस, वी आर सिस्टर्स। सिस्टर, ओह ओके। सो टुडे इज अ स्पेशल डे, ओके, फॉर मुस्लिम। डू यू नो व्हाट इट्स कॉल्ड? No. 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 No idea. Ramadan. Any guesses? Is it Ramadan that's ends? Ending of the, no, not yet. Is it? Yeah, yeah. Yeah, it is. It is. Yeah, but it's a specific name, you know. Not sure. Sorry. Something with the moon. It's called Eid. Eid. Yeah. Yeah, true, Eid. Yeah. Yeah. So, do you know about Eid?
You have a very big meal, right? And celebrate with your family? Yeah, exactly. So it's mean you know how to eat. Okay. So any messages for Muslims or like for who like there are so many people, they celebrate Eid. Mm-hmm. And do you have any Muslim friends? No, not that I know okay. of. Any message for them? Yeah, I mean, I hope you have a very nice day. Okay. It's important for you. Yeah, exactly. So I hope it will be nice and just how you want that you feel love of your family. Yeah, and well done for the months with studies and work and friends. Yeah, and I think so. This is for all human being. It's not just for Muslim. Do you think? Oh, is it? Yeah. Well, I mean, you celebrate it, but I think we should all accept that you celebrate and celebrate together. Yeah. Okay. Thank you so much for giving your precious time. Yes. Thank you so much. Eid Mubarak. सो एक और हमारी फ्रेंड आ रही है. हम रैंडमली उनसे पूछने जा रहे हैं. आई होप सो वो हमें इग्नोर नहीं करेंगी. सो लेट्स सी. एक्सक्यूज मी. हेलो. हेलो. मेकिंग अ वीडियो फॉर माय यूट्यूब चैनल. ओके. वेयर यू फ्रॉम? नॉर्थ इटली. ओके. सो टुडे इज अ स्पेशल डे फॉर मुस्लिम. डू यू नो व्हाट इट्स कॉल्ड? नो. नो. आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट मुस्लिम्स. रियली? No, okay. And about Islam. Okay, so today is Eid. Eid. Okay. You know? This is a festival of for Muslims. Mm-hmm. Really, you don't know about Eid? No, I'm not religious. Okay. It's okay. It's a festival of Eid. Like it's called Eid for Muslims. Mm-hmm. All people celebrate with their friends and families. So say hi. Hi. So, Eid Mubarak. So yeah, it is. Okay. What's your name? Sorry. Lena. Lena. So, Lena, Eid Mubarak. Eid Mubarak. Khen Mubarak. Yeah. Khen Mubarak. Yeah. Okay. You can also celebrate this festival. It's like okay. 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 Thank you. So, thank you so much. Thank you too. सो बाटोमा चाहिँ मैले आफ्नो एउटा बहिनीहरूले पनि भेटेँ अनि उहाँले पनि रिक्वेस्ट गरेँ कि आज एउटा स्पेसल डे छ थाहा छ कि छैन भनेर. पहिला त सबैजनालाई हेलो है. हेलो. ओके. सो सबै यहीँ पोखराबाट हो? हजुर. ओके. सो आज चाहिँ एउटा स्पेसल डे छ थाहा छ? हजुर. के हो? ओके. ओके. आज एउटा मुस्लिमहरूको पनि एउटा चाड छ नि. थ्याङ्क यू. ओके. सो ईदको बारेमा केही थाहा छ तिमीहरूलाई? अनि कसैले ईद मुबारक भनेपछि कसरी आन्सर दिन्छ थाहा छ? कोही मुस्लिम साथीहरू पनि छैन? सोधेन. सो कसैले अब जसरी मैले भेटेँ है. सो कसै मुस्लिमले भनेपछि ईद मुबारक, किनकि एउटा यो ईद भनेपछि एउटा जस्ट मुस्लिमको लागि भनेर त होइन, सबै चाडबाड सबैले मनाउनु पर्छ है. सो कसैले ईद मुबारक भनेपछि चाहिँ खैर मुबारक गर्नुपर्छ. के भन्नुपर्छ रे? खैर मुबारक. सो सबैजनाले मेरो तर्फबाट ईद मुबारक अनि सबै मुस्लिमको तर्फबाट नि ईद मुबारक. हजुरलाई थ्याङ्क यू सो मच. ओके. सो बाबु ईद मुबारक. 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 थ्याङ्क यू. ईद मुबारक. ह्याप्पी ईद. थ्याङ्क यू. सो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि नेपाल में लोग कैसे ईद मनाते हैं और उनके उनका कैसा ख्याल है ईद के बारे में, कुछ लोगों को पता था और कुछ लोगों को नहीं पता था, और जिनको नहीं पता था उनको भी मैंने क्लियर कर दिया. सो उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और कुछ और आइडियाज़ वगैरह हो तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं मेरे साथ. और नेपाली दीदी दाइहरूले पनि राम्रो लाग्यो होला, किनकि नेपालमा पनि एउटा ईद भनेको चाहिँ धेरै मान्छेहरूले थाहा पनि हुन्न है.
अनि थाहा भए पनि भित्रभित्रको कुराहरू कसरी आन्सर दिने कसैले के सोध्यो भने त्यो चाहिँ थाहा हुन्न. सो त्यो पनि मैले क्लियर गरेँ अलिकति. मेरो त्यही कोसिस थियो कि जस्ट इद भनेको चाहिँ सबै एउटा मान्छेको लागि एउटा रिलिजनको लागि मात्रै होइन सबैको लागि हो, किनकि अब मेरो सबै साथीहरू छन् मेरो साथीहरूले सपोर्ट गरिरहेको छन् त्यही भएर म यहाँ छु अहिले. सो त्यही भन्न चाहन्छु हामी सबै एउटै मान्छे हौँ, एउटै के यही स्पेसिफिक रिजनले मनाउने हो त्यो फेस्टिभल्सहरू त्यस्तो केही छैन. अनि सबैले माया गरेर सबैलाई सपोर्ट गरेर हिँड्ने हो हामीले. सो मेरो चाहिँ यो सानो कोसिस भनौँ है त्यो हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो होला अनि सपोर्ट गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला अनि कमेन्ट पनि गरिदिनु होला अनि लाइक पनि गरिदिनु होला. सो अनि अब भेट्छौँ नेक्स्ट भिडियोमा. सो त्यसको लागि चाहिँ अल्लाह हाफिज.